क्वारंटाइन टाइम्स चल रहा है, आप लोग सभी सोचते होंगे कि क्या कर रहे हैं फिलहाल। तो मैं किचन में अपना बना रहा हूँ चाय। तो चाय एक ऐसा चीज़ है कि आज चाय में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग आपको दिखेगा, बहुत लोग कर रहा है। दो ही चीज़ बहुत मेहनत से होता है, एक चाय बनाना और दूसरा चाय पत्ती को ले जाना। और चाय पत्ती कैसे निकलता है, कैसे ग्रो करता है, अगर वो जानना है तो यू शुड गो टू आसाम और सिक्किम, दे विल टीच यू हाउ दे आर डिफिकल्टी दे आर फेसिंग टू इट। और आज चाय वाले का बात ही अलग है, बहुत नाम कमा लिए चाय वाले लोग। और चाय का स्टॉल आपको हर जगह मिलेगा, इनफैक्ट आपको एवरी कोई भी स्टेशन में मिलेगा, हिल स्टेशन में मिलेगा, हर एक गली में मिलेगा, मोहल्ले में मिलेगा चाय। तो चाय कैसे बनाते हो, चाय बहुत तरह का होता है, कोलकाता में भी चाय बहुत कैटेगरी का मिलता है। तो चाय का पानी उबाले, चाय का दूध उध ले लें, सुबह सुबह चाय मत पिया। एक डिसएडवांटेज है चाय का कि सुबह सुबह चाय पीने से ना चाय का जो खासियत है वो नहीं रहता। सुबह आप नाश्ता कर लीजिए, ब्रेकफास्ट करने के बाद मिल्क टी पीजिए, अगर सुबह पीना तो लेमन टी पीजिए, ग्रीन टी पीजिए, बोलूँगा तो कॉफ़ी भी पी सकते हैं। लेकिन सुबह सुबह खाली पेट चाय पीने से आपका लीवर में प्रॉब्लम होगा, लीवर डैमेज होगा, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करिए। अब पता है कि चाय से बहुत ही लोग एडिक्टेड, ये एक ऐसा नशा है कि लोगों को छूटने से भी छूटेगा नहीं। मुझे खुद है, मैं खुद पीता हूँ, लेकिन मैं सुबह नहीं पीता। तो आप सुबह मत पीजिए चाय को, अब आगे देखिए फिर चाय बन। तो दूध पानी उबाल दिए, दूध डाल दें चाय। चाय लोग बहुत सिंपल बनाते हैं, चाय को बोलते हैं कि जितना मिक्स फ्लेम में जितना पकाए, जितना उबाले उतना टेस्ट आएगा, ऐसा कुछ नहीं। चाय में से इंग्रेडिएंट्स डालिएगा तो टेस्ट आएगा। अब चाय में आप सिर्फ दूध, पानी, चाय पत्ती, चीनी डाल दीजिएगा तो नॉर्मल चाय। अगर उस चाय में आपको अपग्रेड करना है या दूसरा वर्जन में उसकी लेके पीना है तो दूध पानी डाल दीजिए और इलायची डालिए, लौंग डाल दीजिए और थोड़ा सा डालना हल्का छोटा सा दालचीनी का सिनेमन। तो मैं भी वही करूँ। चाय का एक फ्लेवर होता है, अच्छा चाय पत्ती सबको चाहिए। अब तो सब दार्जिलिंग, आसाम और सिक्किम तो नहीं चले जाएंगे चाय पत्ती लाने, जो यहाँ मिलेगा वही करेंगे, मैं भी वही करूँगा। चाय बोलेंगे मैं सुबह मत पीजिए, सुबह में लेमन टी पीजिए और ग्रीन टी पीजिए। अगर प्री वर्कआउट है जिम जाने से पहले तो कॉफ़ी पी लीजिए, इट विल गिव यू बूस्ट टू योर बॉडी, एनर्जी देगा। चाय थोड़ा सा मिल्क ओवर करिए सुबह। तो अरे हाँ, चीनी भी बहुत ख़राब चीज़ है, कोशिश करिए कि चीनी को अवॉइड करें ज़्यादा से ज़्यादा। चीनी की जगह में सब्स्टिट्यूट यूज करिए, लाइक हनी, चाय करिए मतलब गुड़ यूज करिए, इट विल हेल्प, डेफिनेटली इट विल हेल्प टू योर हेल्थ। ये आज का नुस्खा टिप्स आपके हेल्थ के लिए, आपके फिटनेस के लिए। और चाय बनकर देखते क्या होता चल रहा है। और घर में अब लोग क्या कर रहे हैं, सेफ है, मास्क यूज करिए, सैनिटाइजर यूज करिए, हाथ रेगुलर धोते रहिए, किसी से टच मत करिए, किसी से मिलिए मत, गैदर मत करिए, ग्रुपिंग मत करिए, डिस्टेंस बना के बात करिए। अगर बहुत ही जूम एक नया ऐप है, जूम यूज़ करिए, उसमें आप अनलिमिटेड लोगों से एक साथ बात कर सकते हो, वीडियो चैट में, व्हाट्सअप कॉल है, व्हाट्सअप वीडियो कॉल है, बहुत सारा ऐसा फीचर अभी एप्लीकेशन है जो आप यूज़ कर सकते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ग्रुपिंग एंड आउटिंग। बनता है चाय भी है, थोड़ा सा समय तो बनता है ना चाय। है रखा हो फ्रिज में, फ्रिज में है रखा, फ्रिज में होगा। नया ब्लॉग्स में जरूर बनाऊंगा आपसे, आपसे रिलेटेड नया ब्लॉग्स में बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा ये क्वारंटाइन चले जाए, लॉकडाउन खुल जाए, बिकॉज इस जगह इस चीज़ सिचुएशन से सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग प्रे कर रहे हैं। इनफैक्ट जो मुस्लिम वो नमाज पढ़ रहे, जो हिंदू है वो प्रार्थना कर रहे हैं कि इस बीमारी से जल्दी जल्दी निजात पा जाए, मतलब निजात मतलब आपका इससे प्रॉब्लम दूर हो जाए, क्योंकि ये बीमारी बहुत खतरनाक है।
बहुत लोग अपना लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं, बहुत लोग सफर कर रहे हैं हॉस्पिटल। तो मैं प्रे करता हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, सबका परिवार है। स्टे हेल्दी स्टे सेफ, और चाय तो दम ठीक है।